एशिया कप 2022 में टीम इंडिया ने खेला तो सही, लेकिन क्या खेला? हमारी भावनाओं से खेला, आपकी भावनाओं से खेला। देखिए, क्रिकेट तो हमें कहीं खेलता हुआ नजर नहीं आया। तो आज इस वीडियो में हम आपको टीम इंडिया की ऐसी 7 बड़ी गलतियां बताएंगे जिससे अगर पार पा जाती तो शायद आज आलम, माहौल, सब कुछ बहुत अलग होता। हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू स्पोर्ट्स नेस्ट। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। बिल्कुल आप सही सुन रहे थे कि भाई ऐसे हम आपको 7 बड़ी गलतियां बताएंगे जिस वजह से टीम इंडिया जो है अभी इस मझधार में फंसी हुई है कि हर तरफ, चारों तरफ दिशा, चारों दिशाओं में जो है आलोचना हो रही है टीम इंडिया की। और अब ये चीज़ जानने में आ रही है कि भाई जब टीम इंडिया वापस आएगी, टीम इंडिया यहाँ पर भारत में वापस आएगी तब क्या हाल होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपने कमेंट्स के जरिए हमें ज़रूर बताएं कि आप इस 7 गलतियों से कितने ज़्यादा सहमत हैं। पहली गलती, दिनेश कार्तिक को ना खिलाना। जी हाँ, दिनेश कार्तिक को प्रेफरेंस ना देना और उनकी जगह जो है ऋषभ पंत को प्रेफरेंस देना, जबकि आपको पता है कि ऋषभ पंत T20 में इतना अच्छा नहीं खेलते, ODIs में फिर भी उनका अभी पहला शतक आया था टेस्ट के, तो खैर बादशाह हैं ऋषभ पंत, लेकिन T20 में अच्छा नहीं खेलते, फिर भी आपने दिनेश कार्तिक को बेंच पर बैठाए रखा, ये आपकी सबसे बड़ी गलती थी। चलिए दूसरी गलती की बात करते हैं कि आप जो है 3 पेसर्स के साथ चले गए एशिया कप 2022 खेलने। मतलब कहां से? देखिए, 3 पेसर्स अर्षदीप, आवेश खान और भुवनेश्वर कुमार, आप तीनों को लेके गए। हार्दिक पांड्या को आप लेकर तो गए, लेकिन ऑलराउंडर है वो, चौथे पेसर के तौर पर आप हार्दिक पांड्या को लेकर गए और आपने जो है सोच लिया कि हम एशिया कप 2022 अपने नाम कर लेंगे। ये आपकी तीसरी बहुत ही बड़ी गलती थी। तीसरी बड़ी गलती है स्क्वाड का चयन। आप जानते हैं संजू सैमसन को आपने मौका नहीं दिया, आपने श्रेयस अय्यर को भी मौका नहीं दिया और सबसे बड़े खिलाड़ी मोहम्मद शमी को आपने मौका नहीं दिया। मतलब क्या सोच के आपने मौका नहीं दिया? आप जानते हैं कि मोहम्मद शमी जैसा खिलाड़ी जिन्होंने IPL में शानदार प्रदर्शन किया था, उनको आप इस टूर्नामेंट से बाहर रख रहे हैं, उनको घर पर बैठाए रख रहे हैं, तो आप एक्चुअल में क्या सोच रहे हैं? चौथी बड़ी गलती है जडेजा का विकल्प ना होना। आप जानते हैं जडेजा जब इंजरी उनको हो गई थी उसके बाद अक्सर पटेल उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको लाया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इंजरी हो गई थी जडेजा को तब भी आपने अक्षर पटेल को नहीं खिलाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 6वीं बड़ी गलती के। देखिए, 5वीं बड़ी गलती है बिश्नोई पर विश्वास ना जताना। आप जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान मैच वाले दिन बिश्नोई जो थे लीडिंग विकेट टेकर थे, उन्होंने बल्ले से भी ठीक ठाक परफॉर्म किया था, लास्ट बॉल में 2 चौके आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ, और बॉलिंग से तो उन्होंने कमाल करा ही था, फिर भी बिश्नोई के इतना अच्छा परफॉर्म करने के बावजूद उनको बेंच पर बैठा के रखने का क्या मतलब था? चलिए अब बात करते 6वीं बड़ी गलती के, तो वो है KL राहुल, यानी कमाल लाजवाब राहुल को ज़बरदस्ती मौके देना, उनको टीम में ढोना, जबकि आपको पता है वो इंजरी के बाद एकदम उठ के आए हैं, वो आपको रन बनाकर नहीं देंगे, तो बेटर है ना KL राहुल को आप बैठा के रखिए, उनके अलावा जो है आप किसी और को मौके दीजिए, ज़बरदस्ती KL राहुल को आपको क्यों ढोना है? देखिए, 7वीं बड़ी गलती और सबसे अहम जो हम लोगों को लगती है इस पूरे पॉइंट्स में, वो 7वीं बड़ी गलती है टीम मैनेजमेंट, यानी अप्रोच आपकी गलत थी। आपने लास्ट मैच में जब डेड रबर मैच था उसमें आपने रोहित शर्मा को आराम दे दिया, उसमें आपने हार्दिक पांड्या को आराम दे दिया, जब आपका खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, आपको अपने आप को प्रूव करना था कि भाई हम भी है जोश में, बातें कर होश में, वो वाला आपको करना था, लेकिन आपने उस टाइम पे कप्तान साहब को आपने बैठा दिया, हार्दिक पांड्या को बैठा दिया आपने, तो इसीलिए इस अप्रोच, ये जो अप्रोच थी आपकी वो किसी को समझ नहीं आई, एटलीस्ट हम लोगों को वो अप्रोच आपकी समझ नहीं आई, इतना ढीलापन आपकी बैटिंग में, बॉलिंग में, बहुत कैजुअल अप्रोच थी। तो ये बड़ी 7 गलतियाँ थी जिस वजह से टीम इंडिया एशिया कप 2022 के फिनाले खेलते खेलते बस इन्नू सर रह गए। तो चलिए इस वीडियो को अब रैप अप करते हैं, समाप्त करते हैं, और आप कमेंट्स के जरिए, जो कि मैंने शुरुआत में भी आपको कहा था कि आप ज़रूर बताइए कि इन 7 पॉइंट्स के अलावा आपको क्या लग रहा है कि और कोई पॉइंट्स अगर हमसे मिस आउट हो रहे हैं, तो वो पॉइंट्स भी आप ज़रूर कमेंट्स में बताइए। और हमेशा की तरह अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और स्पोर्ट्स नेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।